योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लड़ सकते हैं चुनाव। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में हुई चर्चा। पार्टी नेताओं की राय, अयोध्या हिंदुत्व और विकास दोनों का मॉडल। योगी के लड़ने पर पूरे प्रदेश में जाएगा बड़ा संदेश। दिल्ली में गुरुवार को फिर होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। यूपी चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर लगेगी मोहर। दो दिन की बैठक में 300 से ज्यादा सीटों पर मंथन, 175 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम करीब करीब तय। बीजेपी सिटिंग विधायकों का टिकट काटने की बजाय सीट बदलने की स्ट्रेटेजी पर कर रही है विचार। योगी सरकार के एक और मंत्री का इस्तीफा। वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने पद से दिया इस्तीफा। बीजेपी छोड़ने के बाद बोले दारा सिंह, दलितों और पिछड़ों की उपेक्षा से आहत हूं। दारा सिंह के इस्तीफे पर केशव प्रसाद मौर्य का बयान, डूबती नाव पर सवार होने से नुकसान ही होगा। अखिलेश यादव ने दारा सिंह के साथ तस्वीर शेयर की, लिखा एकजुट होकर समता समानता के आंदोलन को चरम पर ले जाएंगे। अखिलेश ने कहा 80% जनता सपा के साथ और 20% बीजेपी से नाराज। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, यूपी की जनता नकारात्मक राजनीति से थक गई है। अखिलेश यादव बोले स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह का हुआ अपमान, प्रदेश की जनता भेदभाव और नफरत की राजनीति से परेशान। एसपी नेता रामगोपाल यादव का बीजेपी पर तंज, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह के इस्तीफों ने यूपी में बीजेपी की कमर तोड़ी। भदोही से बीजेपी विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने अपने इस्तीफे की खबरों को गलत बताया, कहा साजिश के तहत इस्तीफे की खबर उड़ाई गई। भदोही से बीजेपी विधायक के इस्तीफे का फर्जी लेटर पैड वायरल होने का मामला, अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा। सहयोगी दलों के साथ अखिलेश यादव ने की बैठक, ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल यादव और कृष्णा पटेल रहे मौजूद। बैठक के बाद ओम प्रकाश राजभर का बयान, पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों का गुरुवार को ऐलान। चुनाव से पहले एसपी और कांग्रेस को जोरदार झटका, कांग्रेस विधायक नरेश सैनी और एसपी विधायक हरिओम यादव बीजेपी में शामिल। इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में शामिल, अखिलेश से मिलने के बाद किया ऐलान। इंडिया टीवी से बोले नरेश सैनी, बीजेपी की कार्यशैली और पीएम की नीतियों से प्रभावित होकर लिया फैसला। शिवपाल यादव के 20 उम्मीदवारों को टिकट देगी एसपी, चुनाव में साइकिल निशान पर चुनाव लड़ेंगे शिवपाल यादव। कांग्रेस से इस्तीफा देकर आरएलडी में पहुंचे अवतार सिंह भड़ाना, फरीदाबाद से 4 बार रहे हैं सांसद। यूपी के पूर्व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी, धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले पर कोर्ट का आदेश। 24 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य को पेश होने का आदेश, 7 साल से चल रहा है धार्मिक भावना भड़काने का मुकदमा। केजरीवाल ने पेश किया आपका पंजाब मॉडल, एजेंडे में विकास के लिए 10 फॉर्मूले, फ्री बिजली का वादा, पंजाब को नशा से करेंगे मुक्त। पंजाब में आम आदमी पार्टी के डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत, सीएम केजरीवाल ने खरड़ में घर घर जाकर किया प्रचार। पंजाब में आम आदमी पार्टी को डोर टू डोर कैंपेनिंग के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन पर रिटर्निंग ऑफिसर का नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। आपके पंजाब मॉडल को नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया कॉपीकैट मॉडल का, केजरीवाल का अभियान और एजेंडा, पंजाब के लोगों पर एक मजाक। पंजाब में चुनाव के लिए संयुक्त समाज मोर्चा ने कसी कमर, 10 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कांग्रेस ने उत्तराखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय को सभी पदों से हटाया, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप। 5 राज्यों के चुनावों को लेकर बीजेपी की म्यूजिकल तैयारी, गायक कन्हैया मित्तल और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने रिकॉर्ड किया गाना। कांग्रेस ने मोहन प्रकाश को उत्तराखंड का सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त किया। पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर रिटायर्ड जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में टीम गठित, एनआईए के डीजी चंडीगढ़ के डीजीपी कमेटी के सदस्य। सुप्रीम कोर्ट की पंजाब और केंद्र को फटकार, कहा आपस में बहस से कोई फायदा नहीं। सुरक्षा चूक को लेकर सीएम योगी का बड़ा हमला, सुरक्षा के साथ की गई है साजिश, पंजाब सरकार ने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। असम के सीएम का बड़ा दावा, पंजाब सीआईडी डीसीपी सुखदेव सिंह ने सीनियर एसएसपी को 2 जनवरी को पूरी साजिश की दी जानकारी। स्टिंग ऑपरेशन में डीसीपी सुखदेव सिंह बोले पूरा विरोध खालिस्तान समर्थकों द्वारा आयोजित, वो किसान नहीं थे। दिल्ली पुलिस ने एक वकील की शिकायत पर दर्ज की एफआईआर, वकील का आरोप पीएम सुरक्षा चूक मामले में धमकी भरे फोन आ रहे थे। पीएम की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, पंजाब में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। भारत और चीन के बीच कोर कमांडर लेवल की 14वें दौर की बातचीत जारी, चीन के चुशुल मोल्डो में सुबह 9:30 बजे शुरू हुई बैठक। चीन के साथ बातचीत के बीच आर्मी चीफ जनरल नरवणे का बड़ा बयान, चीनी सेना के साथ सख्ती से निपटना रखेंगे जारी। जनरल नरवणे ने कहा पूर्वी लद्दाख में आंशिक रूप से हुआ है डिसएंगेजमेंट, लेकिन खतरा नहीं हुआ कम। पाकिस्तान पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे का बयान, पश्चिमी मोर्चे पर कई लॉन्च पैड पर आतंकियों का बढ़ा जमावड़ा। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जानकारी, अनंतनाग रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा किया। ड्रग्स केस में अकाली नेता विक्रम मजीठिया से एसआईटी ने की पूछताछ, मजीठिया ने एसआईटी से सिद्धू चन्नी रंधावा के बयान पर भी विचार करने की अपील की। हरिद्वार धर्म संसद मामले पर सुप्रीम कोर्ट का केंद्र, उत्तराखंड और दिल्ली सरकार को नोटिस, 10 दिन बाद होगी अगली सुनवाई। पीएम मोदी ने तमिलनाडु में 11 नए मेडिकल कॉलेजेस का किया उद्घाटन, कहा अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ रहा हूं। मेडिकल कॉलेजों के उद्घाटन के बाद बोले पीएम, भारत में मेडिकल टूरिज्म का हब बनने के लिए हर चीज मौजूद है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बाक को समाचार चैनलों की रेटिंग तत्काल प्रभाव से जारी करने का दिया निर्देश। एस सोमनाथ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नए चेयरमैन बने, के सिवन का कार्यकाल हुआ पूरा। गगनयान मिशन की तरफ से इसरो का एक और सफल कदम, 720 सेकंड
तक क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया। हैदराबाद पुलिस ने एक्टर सिद्धार्थ को किया गिरफ्तार। टेनिस स्टार साइना नेहवाल पर की थी विवादित टिप्पणी। बीएसएफ ने अमृतसर और फिरोजपुर से जब्त किए बड़े पैमाने पर हथियार, करीब 7.5 किलो हेरोइन जब्त की। पंजाब के बठिंडा में गैंग वॉर, अंधाधुंध गोलीबारी में दो गैंगस्टर्स की मौत, जांच में जुटी पुलिस। टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहन बनी डीएसपी, कहा पुलिस में रहकर लोगों की करूंगी सेवा। मद्रास हाईकोर्ट का तमिलनाडु सरकार को आदेश, सिलेक्ट कोर्सेज की 50% सीट सर्विस डॉक्टर्स के लिए आरक्षित रखें। असम के कार्बी आंगलोंग पुलिस का दो ड्रग्स तस्करों पर शिकंजा, करीब 800 ग्राम हेरोइन जब्त की। जोधपुर में पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जाली दस्तावेज तैयार करने के आरोप में 4 गिरफ्तार, भारतीय वीजा दिलाने के लिए तैयार किए थे जाली दस्तावेज। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक महिला से रेप और जबरन धर्म परिवर्तन के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के आरोप में महिला के खिलाफ केस दर्ज, हिंदू पति ने मुस्लिम पत्नी पर बेटे के जबरन धर्मांतरण का लगाया था आरोप। यूपी में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस ने करीब 1.5 करोड़ कीमत की 73 लीटर शराब जब्त की, 2.5 करोड़ की भांग भी पकड़ी। लखनऊ पुलिस ने जाली नोट छापने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़, 5 लोगों को गिरफ्तार किया। सेंध लगाकर चोरी करने वाले गिरोह के 6 लोगों को शाहजहां पुलिस ने किया गिरफ्तार, 10 किलो से ज्यादा चांदी की ज्वेलरी बरामद। महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला, महिला एवं बाल विकास योजनाओं को मिलेगा 468 करोड़ रुपए का फंड। मुंबई में कास्टिंग काउच के आरोप में एक डायरेक्टर गिरफ्तार, बंगाल की एक अभिनेत्री से लाखों की ठगी करने का भी आरोप। पूरी दुनिया में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरियंट से संक्रमित 115 लोगों की अब तक हुई मौत, भारत में सिर्फ 1 मौत ओमिक्रॉन से हुई। केरल में ओमिक्रॉन के 76 नए मामले सामने आए, प्रदेश में कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 421 हुई। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल का बयान, ओमिक्रॉन सामान्य कोल्ड नहीं, इसे हराना हमारी जिम्मेदारी। देश में कोरोना केस में फिर उछाल, एक दिन में 1,94,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। देश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 11 के पार पहुंचा, औसतन 1.5 लाख नए केस हर दिन आ रहे हैं। नीति आयोग सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अपील, ओमिक्रॉन से बचने के लिए मास्क पहने, टीका लगवाएं। हल्के लक्षण वाले मरीज अब 7 दिन में होंगे डिस्चार्ज, हेल्थ मिनिस्ट्री ने पॉलिसी में किया बड़ा बदलाव, आरटीपीसीआर टेस्ट की भी नहीं होगी जरूरत। कोरोना पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की हाई लेवल बैठक, डीसीजीआई और आईसीएमआर के अधिकारियों के साथ हुई चर्चा। भारत बायोटेक का दावा, ओमिक्रॉन और डेल्टा को खत्म कर रही कोवैक्सीन बूस्टर डोज। महाराष्ट्र में कोरोना के 46,000 नए मरीज मिले, पिछले 24 घंटे में 32 लोगों की हुई मौत। मुंबई में कोरोना केस में उछाल, पिछले 24 घंटे में 16,420 नए केस सामने आए, 7 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, इस साल स्कूलों में बच्चों की ट्रांसपोर्ट फीस नहीं लगेगी। दिल्ली में कोरोना के 27,561 नए केस सामने आए, पॉजिटिविटी रेट 26 के पार। बंगाल में कोरोना के 22,000 से ज्यादा केसेज आए सामने, 24 घंटे में 23 मरीजों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 21,390 नए मामले, 10 लोगों की हुई मौत। यूपी में कोरोना के 13,681 नए मामले, 700 लोग ठीक होकर घर लौटे। केरल में बढ़ी कोरोना की रफ्तार, एक दिन में 12,742 नए मरीज मिले। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,000 नए केस मिले, 24 घंटे में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के करीब 10,000 नए संक्रमित मिले, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा करीब 4,000 केस। ओडिशा में एक दिन में 8,778 नए संक्रमित मिले, पॉजिटिविटी रेट 11.7 पर पहुंची। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 4,719 नए मामले, अकेले रांची में करीब 1,600 केस। आईआईटी जम्मू के स्टाफ छात्र समेत 18 लोग कोरोना पॉजिटिव, ऑनलाइन क्लास चलेगी, वर्क फ्रॉम होम होगा। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने प्रिकॉशन डोज ली, कहा फ्रंटलाइन वर्कर बूस्टर डोज से और ज्यादा होंगे सुरक्षित। दिल्ली में 11 जनवरी को कोरोना नियम तोड़ने वालों से पुलिस ने वसूला 1,10,00,000 रुपए का जुर्माना, 63 FIR दर्ज हुई। दिल्ली में 4 जनवरी 2022 के बाद आवश्यक सेवाओं में छूट के लिए जारी किए गए हैं ई पास, साप्ताहिक कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू में वैध रहेंगे। यूपी में वैक्सीनेशन की सुपर रफ्तार बरकरार, अब तक 22 करोड़ से अधिक टीके की डोज लगाई गई। गंगा सागर मेले के उद्घाटन पर बोली पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कोरोना नियमों का करें पालन, भीड़ इकट्ठा न करें। झारखंड के सीएम ने ऑक्सीजन प्लांट्स का किया उद्घाटन, कहा तीसरी लहर से निपटने के लिए मजबूत बुनियादी ढांचा। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन के दौरान गार्डन पार्टी करने पर माफी मांगी। सोमालिया में मोगदिशु एयरपोर्ट के बाहर धमाका, हादसे में 8 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। नाटो चीफ का बयान, यूक्रेन मामले में तनाव के बावजूद सैन्य गठबंधन और रूस और बैठकों के लिए तैयार। देश में मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 5.5% के पार, खाने पीने की वस्तुओं के दाम बढ़ने से बढ़ी मुद्रास्फीति। नवंबर में औद्योगिक उत्पादन 1.4% बढ़ा, सरकार ने जारी किया आंकड़े। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 2 पैसे की तेजी, $1 की कीमत 73.92 रही। और सेंसेक्स में 533 अंक की तेजी, निफ्टी में भी 156 अंक की उछाल। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।